नमस्कार, मैं रितेश कुमार। तो आइए, स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा आप सभी के लिए एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। जैसे कि अब इस अपडेट के बाद जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का ईकेवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग अभी हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लाभार्थियों का ईकेवाईसी वाला ऑप्शन ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप लोगों को ईकेवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और साथ में दो नए अपडेट और आए हैं, तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग पूरा जानते हैं किस प्रकार से ये अपडेट हैं और आप लोगों को कैसे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि प्ले स्टोर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पोषण ट्रैकर लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप लोग एरो पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें और दो नए अपडेट क्या आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला अपडेट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेक्टेड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अब आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में फेस रजिस्ट्रेशन करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ स्टेट में ही लागू किया गया है। आप लोग जो THR का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके जो THR सबमिट करते हैं ना, वहाँ पे आप लोग को फेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब THR अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ स्टेट और कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही इसको लागू किया गया है, ठीक है। अपडेट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ईकेवाईसी फैसिलिटी फॉर बेनिफिशरीज। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का ईकेवाईसी का जो फैसिलिटी है वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा अपडेट आप लोग देखेंगे, ग्रोथ रजिस्टर हैज बीन एडेड इन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। यानी कि जो बच्चों का आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, GMD करते हैं, अब उनका जो है कि ग्रोथ रजिस्टर के नाम से जो रजिस्टर है उसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लाभार्थियों का हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो अपडेट दिया गया है, माइनर बग फिक्सेस। तो आप लोगों को पता है कि कुछ अपडेट के साथ ये जो अपडेट है वो आते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो लाभार्थियों का KYC है वो कैसे किया जाएगा, जो फेस रजिस्ट्रेशन है वो किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए लागू किया गया है और ग्रोथ रजिस्टर चार्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर, आप लोग यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज पे ही आप लोगों को एक न्यू ऑप्शन दिया गया होगा, लाभार्थी ईकेवाईसी, जो कि ये दूसरा अपडेट है, ठीक है। अपडेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि THR के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग THR वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, जैसे कि लीड ट्रैकिंग। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे THR और SCM का जो ऑप्शन है इसको आप लोग ओपन करेंगे। जैसे कि हम लोग गर्भवती महिला, धात्री महिला और 6 माह से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग THR देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऐड किया गया है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे THR वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे डेज का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पैकेट्स में आप लोगों को 0 और 1 सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पे फेस रजिस्ट्रेशन की बात है तो अभी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कोई भी फेस रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे घबराना नहीं है, आप लोग आराम से यहाँ पे जिस प्रकार से पहले यहाँ पे THR को एंट्री कर रही थी उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पहला अपडेट है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है यहाँ पे लाभार्थी का ईकेवाईसी, जो कि न्यू ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सभी का ईकेवाईसी का ऑप्शन जो है यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो सेविकाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इतना सारा काम देने के बावजूद नए नए काम को ऐड करते जा रहा है और जो है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सी सेविका भवनों के मन में इतना ना गुस्सा आ रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करना ही छोड़ दें। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो पोषण ट्रैकर ऐप करवा रहा है आप लोग कर रही हैं तो आप लोगों को करना ही है, इतने मानदेय में इतना सारा काम आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। अगर इस बात से आप लोग सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ईकेवाईसी करना है, इसको आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है कैसे ईकेवाईसी करना है, किन लाभार्थियों का करना है। यहाँ पे देखेंगे 0 से लेकर जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी का आप लोगों को ईकेवाईसी करना है, ठीक है। साथ में गर्भवती और धात्री महिलाओं का भी ईकेवाईसी करना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो बच्चे हैं उनका हम लोगों को ईकेवाईसी करना है, ईकेवाईसी कैसे करना है। तो देखिए,
इस चीज़ को आप लोग समझिए कि जो बच्चे हैं जिनका आधार जो है वो माता पिता के नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया है उनके नाम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभी कुमार, और इनका जो आधार नंबर दिया गया है वो माता का दिया गया है, तो यहाँ पे आप उनके माता के ही नाम से EKYC कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कंप्लीट EKYC पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे यूज़ द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल ऑन कंप्लीट द EKYC प्रोसेस। यानी कि आप जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किए हैं और जिनका भी आधार कार्ड लगाए हैं जैसे कि माता या पिता का, उन्हीं के आधार कार्ड से आप यहाँ पे जो है उनका EKYC कर सकते हैं। वंस द EKYC डिटेल्स आर सेव्ड यू कैन नॉट मोडिफाई देम लेटर। यानी कि एक बार अगर लाभार्थियों का EKYC कर देते हैं तो आप उसको बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जिस प्रकार से आप अपना EKYC कंप्लीट कर पाई हैं उसी प्रकार से यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उनका भी यहाँ पे EKYC करना है। जैसे कि उनके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल के आप लोग यहाँ पे EKYC कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, सेपरेट वीडियो, जिसमें कि आपको EKYC का पूरा फुल प्रोसेस समझाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आप लोग समझिए कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बेनिफिशरीज हैं उनका अलग अलग EKYC करना है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लाभार्थियों का EKYC है आप लोग करेंगे। और तीसरा जो अपडेट दिया गया है, चलिए उसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं। तो तीसरे अपडेट को जानने के लिए आपको यहाँ पे MPR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ग्रोथ रजिस्टर का एक ऑप्शन जो है इसमें ऐड किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर विकास निगरानी, यहाँ पर आप लोगों को डेटा दिखाया जाएगा कि जो आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप लोग जो PDF के रूप में यहाँ से रजिस्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई जाएगी कि इस महीने जो आप लोग विकास की निगरानी की है यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग की है वो किस प्रकार से बच्चों का यहाँ पे स्टेटस है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखाई जाएगी। और यहाँ पर मासिक रजिस्टर डाउनलोड पे क्लिक करके तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि बहुत सारे जो रजिस्टर हैं उसको डाउनलोड करने का जो ऑप्शन पहले से दिया गया था, लेकिन इस अपडेट के बाद आप लोग को यहाँ पे जो ग्रोथ रजिस्टर है उसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे इस अपडेट पे ये सारी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में 21.2 का जो न्यू अपडेट आया है जिसमें 3 महत्वपूर्ण अपडेट आए थे जिसके बारे में हमने आपको पूरा समझा दिया है किस प्रकार से ये अपडेट आए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।